ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि गाइस इंस्टाग्राम में जो एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ये गाइस की जब भी हम अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने जा रहे हैं तो गाइस वहाँ पर जो है कैमरा वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, यानी कि पूरा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। तो उसी के सोल्यूशन के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई, तो गाइस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना, आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे मैं आज आपको बता दूंगा। 100% वर्किंग सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि गाइस ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ भी हो रही थी। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि गाइस मेरे इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम क्या आ रही है। गाइस देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपना अकाउंट को जैसे ही ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन करने के बाद जैसे मैं स्टोरी वाले सेक्शन में जा रहा हूँ, तो गाइस वहाँ पे जो है मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। चाहे मैं उसे फ्रंट में करूँ या बैक में करूँ, मैं कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो गाइस एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट ये जो गाइस इंस्टाग्राम का कैमरा है ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों गाइस? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं बताता हूँ आप सभी को। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि मतलब कि अब इसमें गाइस रीज़न क्या हो सकता है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट ना हो, ठीक है? अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट है, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनका इंस्टाग्राम अपडेट होगा, सब कुछ आपने कर रखा होगा, ठीक है? बट गाइस यहाँ पे एक रीज़न हो रहा है जो कि मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले करना है कि आपको बैक आ जाना और आपको जो इंस्टाग्राम है उसको पहले डिलीट कर देना है, ठीक है? आपको उसको डिलीट कर देना गाइस, ठीक है? एंड डरिए मत, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। जो मैं आपको स्टेप्स कह रहा हूँ उनको फॉलो करो। फिर गाइस आपको जो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको उसमें चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो इंस्टाग्राम का यहाँ पे एपीके मोड मिलेगा एक, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इंस्टाग्राम का ही ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बिल्कुल सेफ ऐप है। तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि गाइस मैंने इसको पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसे बैक चलूँगा, डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा। एंड इसको ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है, गाइस वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि मतलब कि जो मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें भी वही चीज़ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। तो मैं इसको फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को देखिए, जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे पहले करना ही गाइस, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में, देन आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिख रहे हैं, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हेल्प करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फीडबैक एंड रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का दो ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों में से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सिंपली मैं जो है यहाँ पे इसके ऊपर कर लूँगा एंड सेंड फीडबैक के ऊपर क्लिक कर लूँगा, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को इतना कर देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने पहले से टाइप कर रखा है, आप चाहो तो अगर सेम टू सेम पेस्ट भी कर सकते हो, मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के जो है टाइप करके भी लिख सकते हो या फिर अपने तरीके से आप लिख सकते हो, जो मर्जी आपका मन करे, ठीक है? तो अभी मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने इतना टाइप कर लिया, ठीक है? आप इसको पढ़ भी सकते हो और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप इसको कर लोगे तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड सबमिट कर लेने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। एंड गाइस फिर इसके बाद बैक आने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। एंड ऐप इन्फॉर्मेशन में आप जैसे जाओगे आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे परमिशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आपको यहाँ पे परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जितने भी ऑप्शन यहाँ पे पहला है कैमरा, इसको अलाउ कर देना है, ठीक है? जितने भी परमिशन है सबको अलाउ कर देना है गाइस, ठीक है? यहाँ पे एंड जब इतना कर दोगे गाइस आप लोग, तो इतना कर देने के बाद आपको जो है 24 आवर्स आपको वेट करना है। मैं गाइस बता रहा हूँ आपको 24 तो नहीं, एटलीस्ट 24 आवर्स से पहले ही आपको जो है सारे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन वो आपको बता देंगे एंड वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना। एंड गाइस बार बार अलग अलग जगहों पर जाकर गाइस अलग अलग रिसर्च करके आप वो चीज़ें मत करना, इससे क्या होगा गाइस कि वो इंस्टाग्राम जो डिटेक्ट कर लेगा कि आप रोबोट हो या फिर आप कुछ और हो, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग बार बार जाके सिस्टम को ना छेड़ें और गाइस अपने ऊपर पेशेंस रखें, ठीक है? और 24 आवर्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया आपको मतलब कि रिप्लाई मिल जाएगा जो है ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। तो बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस और कोई प्रॉब्लम हो तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप मेरा यूज़र नेम देख लो और आप मेरे से आकर डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, आप सभी का मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बाकी गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।